हाय गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज व्लॉग की मैंने बड़ी अजीबो गरीब शुरुआत करी क्योंकि व्लॉग करने का इतना खास कुछ मन नहीं था और मूड भी समझ नहीं आ रहा। हाँ बट हम लोग कर पाएंगे या नहीं क्योंकि जगह जहाँ पर हम लोग घूमने आए हुए एक्चुअली पता नहीं थी कि इतनी अच्छी निकलेगी। मैं आज से कुछ 9-10 साल पहले यहाँ आया था। जगह का नाम है पाताल पानी। हम लोग इसे रैंडमली इसका इतना हाइप बनाया हुआ था जिंदगी। मैंने सुना पाताल पानी जाओ तो डूब मत जाना पानी में, ये वो, पर ऐसे तो कुछ एक्चुअली था पहले, कुछ टाइम पहले तक था लेकिन अब उतना ज्यादा नहीं। यहाँ पर पूरा टूरिस्ट लोकेशन इसको बना दिया ना तो बहुत बहुत ऑसम लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग कर ही लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको इसके लिए जितने भी शॉट्स दिखाए वो सब ऑसम थे। और अब यहाँ पर हम जहाँ बैठे ये रेलवे ट्रैक है। एक्चुअली यहाँ पर आप ट्रेन बुक कर सकते हो पता है। हाँ। और वो आपको पूरा महू ट्रेन का... बुक नहीं कर सकते, टिकट ले सकते हैं ट्रेन में बैठने के लिए। ट्रेन बुक कर सकते अरे ट्रेन में मतलब टिकट बुक कर सकते हो, तुमको यहाँ से पाताल पानी घुमाती हुई ले जाएगी। अवॉइड करो, अवॉइड ट्रेन में बैठा नहीं ना कभी, अवॉइड 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 करो, मत ध्यान दिया करो, मत ध्यान दिया करो उसके बाद ट्रेन बुक कर लेते हैं अपन। नहीं नहीं मत 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 ध्यान मत दिया करो उसके बाद, जस्ट अवॉइड, कट कर देना एडिटर अनिकेत इसको कट कर देना। ठीक है जी। व्हाई इज दिस हैपनिंग विद मी? ये पागल हो चुकी है बहुत दिनों से, इसको बस एक ही चीज नजर आ रही है, कभी 11:11 पर मोबाइल खोल रही है, कभी 1:01 पर खोल रही है, कभी 10:10, अभी 2:22 पे। अमृता 33 मिनट एक बात सुनेगी मेरी? हाँ। सट्टा लगाना शुरू कर दे। सही में यार, जैसे आज तुझे 2:22 पे आया ना तो शाम को 2:22 कोई से नंबर पे सट्टा लगा ले। किसी और को भी अगर देख घंटी बजी आज इस पे तेरा सट्टा खुलेगा। कैसे प्लान करता है मेरा बर्थडे? बर्थडे प्लान किया, केक कटवाया, भाभी लाल में खाना खाया, बस और एक गोप्रो गिफ्ट कर दिया। एक गोप्रो गिफ्ट। अच्छा ट्रेन तो बुक नहीं करेगा ना तू बर्थडे? अरे बस कर भाई, आई साइको, अवॉइड अवॉइड, मैं सुनता ही नहीं इसकी बात। चल पोज दे, अरे पोज तो दे, फिर मेरे को तू बोल देगी मेरे फोटो अच्छे नहीं खींच रहे हो आप। बार बार बोल रही है मेरे बाल खराब हो रहे हैं, मेरे को कंघा दे दो, मैं जाता हूँ। भैया कंघा दे दो, भैया कंघा कंघा दे दो। मैं सोच रही हूँ रैंडमली किसी के आंटी के पर्स में से बोल दूँ। हाँ मैं पूछता हूँ, एनीबॉडी हैव कंघा प्लीज, कंघा कंघा दे दो कंघा। चलो लिटरली बता रहा हूँ, ये जगह ऐसी है कि आप यहाँ पर अपने घर से खाना वगैरह पैक करके आओ, पानी लेकर आओ, आराम से घूमो, लंच वगैरह करो और उसके अलावा यहाँ पर घूमते रहो, चाय वगैरह सब यहाँ मिल जाएगी। इतना ओपन स्पेस है, हम टॉयलेट वगैरह कहीं भी जा सकते हैं, आप यहाँ पर पूरा दिन बिता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों पड़ा रहता जिंदगी में? मुझे आ रही है क्योंकि बट रियली बहुत मजा आया, इतना ज्यादा चेंज हो जाएगा महू के पास में, मुझे पता ही नहीं था। पता है मैं आज तक कभी नहीं आया यार यहाँ पर, मैं आज से कुछ 9-10 साल पहले यहाँ आया था। आर यू कॉमेडी मी? इतने टाइम से, बट आज बहुत मजा आ रहा, लिटरली घर जाने की इच्छा नहीं हो रही। और मौसम मतलब यही टाइम है यहाँ पर आने का, तो अगर आप महू आते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, आइए पाताल पानी के मजे लीजिए, लेकिन केवल और केवल बारिश के मौसम में। गर्मी तो देखो, भीड़ तो देखो, गर्मी में आ जाओगे ना तो 12 बज जाएगी। मैं तुमको भीड़ दिखाता हूँ, देखो गाइस यहाँ वो, वहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ 4-व्हीलर है। हाँ ये सिर्फ 4-व्हीलर है, वो लोग वहाँ से आ रहे हैं। 2-व्हीलर्स तो इतने हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते। आप किसी का भी 2-व्हीलर लेकर भाग जाइए, उसको शाम तक पता नहीं चलेगा कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। मतलब देखो आता है तू चोर है, मतलब गुड, इतने से गेट से निकलना पड़ रहा है, ये गेट बंद कर रखा है, यहीं से निकलो। इन शॉर्ट तूने पाताल पानी में क्या देखा? झरना पानी घास, झरना पानी घास, लोग, ये खच्चर, घोड़े, बंदर, ऊंट और एक बंदरिया। अब बहुत भूख लग ताले में भी नपल तोपता है, थाने को थाना बोलता है। तो अब भूख लग रही है तो अब यहाँ से जा रहे हैं घर। रास्ते में देखेंगे भवरी लाल, जहाँ पर हमने हमारा मेरा बर्थडे मनाया था, वहाँ का मुझे नूडल्स वगैरह बहुत अच्छा लगा था, तो अमरू बोल रही है वहीं खाने चलते हैं। तो चलिए यहाँ से जा रहे हैं खाना खाते हुए घर, क्योंकि अचानक से निकल गई है तेज धूप। तूने यहाँ पर भी एक बात ऑब्जर्व करी जो अपन ने जाना पाव में भी करी थी? क्या? इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, पानी की बॉटल ले रहे हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स में खा रहे हैं, स्पून जो हो रहे हैं वो डिस्पोजेबल हो रहे हैं। खैर अभी एमपी गवर्नमेंट ने पॉलीथिन पर अभी बैन लगा दिया जो सिंगल यूज वाली, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अच्छी जगह पर उन्होंने सब कचरा फेंक रखा है। रेलिंग की उस तरफ बहुत सारे बंदर थे, तो उसमें बंदर का एक छोटा सा बच्चा था,
बलून खा रहा था, बलून खा रहा था यार। मान लो अगर उसके बॉडी में चला जाएगा तो उसका तो आप ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकते। हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बोल देंगे कि भैया हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो एनिमल किसको बोलेगा, अल्टीमेटली मरेंगे वो लोग। तो अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, जितने भी लोग ऐसे किसी भी इंडिया में टूरिस्ट स्पॉट पे आते हैं, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं यूजुअली सब मेरे स्टूडेंट्स ही रहे होंगे या स्टूडेंट्स हैं, तो गाइस तुम लोग तो मेरी बात मानोगे, तो कभी भी ऐसी किसी प्लेस पर जाओ तो अगर आपके पास में कोई प्लास्टिक की बॉटल है, कोई पानी की बॉटल है या कोई ऐसी पॉलिथीन वगैरह है, कीप इट इन योर पॉकेट, अपने पास में रख लो, अपनी गाड़ियों में रख लो और अपने घर पे प्रॉपर जगह जाके उसको डिस्पोज करो, क्योंकि ये नेचुरल प्लेसेस, यहाँ पर एनिमल्स वगैरह उसको कंज्यूम कर जाते हैं और उससे हो सकता है उनकी डेथ हो जाए, तो हमें किसी की कंप्लेन भी नहीं कर सकता है ना कि हमारा बच्चा बीमार हो गया। हाँ, तो हमें किसी की डेथ के पीछे उसका रीजन नहीं बनना है। तो अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट, नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग किसी किसी जगह आओ तो ध्यान रखना प्लीज। गाइस लिटरली कंगे को लेकर इतनी सीरियस हो गई है कि लिटरली इसने यहाँ पर एक दुकान ढूंढी और उसमें उसको कंगा, देखो अब कंगा खरीद के आ रही है। और क्यों? क्योंकि भौरीलाल पे हम लोग अब खाना खाने आ रहे हैं तो इसको अपने बाल सही करने। लड़की जो ठान लेती है ना वो करके रहती है। लोग 10 रुपए के तुरतुरे लेते हैं, ये 10 रुपए का 10 रुपए के तुरतुरे लोग लेते हैं, तो 10 रुपए का कंगा लेके आई है। खुश? अब क्या करेगी कंगे का? मुझे बाल सही कर रहे हैं यार। हाँ यार तेरे बाल तो खराब हो गए। हाँ। बहुत खराब हो गए इनफैक्ट। इतने खराब बाल, बाप रे। ऐसे घूमली लोग तभी तो देख के हंस रहे थे, मैं समझ में आ गई मेरे। तो वो घर दिख रहा है? हाँ। ये ब्रिटिशर्स के टाइम का, तू अप्रोक्सीमेटली मान ले 150 साल पुराना घर होगा। हाँ साइड में रेलवे क्वार्टर टाइप नजर आ रहे हैं ये पूरे रेलवे क्वार्टर है महू के। और यहाँ रेलवे क्वार्टर का हमेशा फिक्स कलर मतलब ये गवर्नमेंट के, इनफैक्ट रेलवे नहीं गवर्नमेंट के भी ऐसे, BSNL वालों के भी यहाँ पर ऐसे थे। बट ये जो तू एरिया देख रही है ना, यहाँ पर एक अभी चर्च भी आएगा, वो भी ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ। एक्चुअली ब्रिटिशर्स मऊ में जब आए थे ना तो उनको यहाँ का क्लाइमेट वगैरह बहुत प्लीजेंट लगता था, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी छावनी बना ली थी। अभी जिस एरिया से हम लोग निकल रहे हैं ना, यहाँ पर ब्रिटिशर्स के ऑफिस वगैरह यूजुअली रहते थे। अब अपने जो मऊ के आर्मी है ना, अब यहाँ पर इनके सारे ऑफिस वगैरह है। जैसे ये घर दिख रहा है, ये सब ब्रिटिशर्स के टाइम पे बने हुए हैं। दिख भी रहे हैं ना? हाँ, ये चर्च में तुझे बता रहा था, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना हुआ था। क्या गोवा जाओगे यार, यहीं आ जाओ। EM चर्च लिखा है। यहीं आ जाओ। क्या बोल रहे हो? पता है जब मेरे को भूख, अभी जैसे मुझे बहुत भूख लग रही है, हाँ। तो खाना खाने जाना है, हाँ। तो पहले जब मैं यहाँ पर गुप्ता ट्यूटोरियल्स करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, यहाँ पर मैं अपने नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, स्कूल से 3:30 बजे में छुट्टी होती थी और मुझे यहाँ पर क्लास लेने आना होता था, 7:30 तक मैं बैठा रहता था। तो 11 बजे के लंच के बाद तो ऑब्वियसली शाम को भूख लगेगी। तो पता है मेरी फिजिक्स क्यों बर्बाद हुई? क्यों? क्योंकि यूजुअली फिजिक्स की क्लास में मुझे भूख लग रही होती थी और मैं इमेजिन कर रहा होता था ये निकुंज की दाल मखनी, दाल फ्राई और उसकी तंदूरी रोटी और उसकी नान। तो मेरी फिजिक्स तो खाने के लोगों को, वो लोगों की लाइफ की बर्बाद होती है, लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। लड़कियों को देख रहे, लड़कियों के ख्याल में खोए हुए होते हैं। मैं एक ऐसा लड़का था जो खाने के ख्याल में खो के मैंने मेरी फिजिक्स बर्बाद कर ली और मैं डॉक्टर नहीं बन पाया क्योंकि मेरी फिजिक्स ने मेरी 12 बजाई। और मेरे को भी मेरे स्टूडेंट्स देख के हमेशा यही बोलते हैं कि मैम से बस खाने की बात करा लो, फूडी है मैम बहुत। तो शायद अपन दोनों की बॉन्डिंग इसलिए शायद चल रही है, हम दोनों का म्यूचुअल प्यार है खाना, इसलिए हम दोनों आ गए हैं साथ में खाने के लिए। खाने के लिए खाओ खाओ। एक एक कमेंट आया था अपने ब्लॉग में पिछली बार वाले, बस खाते ही रहोगे ना? नहीं, कि आपके आज तक एक भी ब्लॉग में ऐसा नहीं कोई ब्लॉग गया होगा जिसमें आपने अपना खाना नहीं दिखाया कि हम खा रहे हैं, कितना खाते हैं। तो अब क्या करें, हमारा रिवाज भौरीलाल आज रिवाज, हमारा जो रिवाज है हमेशा माथा टेकना, आओ एक बार और माथा टेक के चले यहाँ से। अच्छा तो ये इन्होंने मेन्यू तुझे भेज दिया था क्या बर्थडे के पहले? नहीं, मैं आई थी वहाँ पे देखने। अच्छा, भूल गए आप? नहीं, बहुत उसको तो छोड़ दे, एक एक रुपया वसूल करेगी। क्यों वसूली? वसूली भाई है तू, धनिया भी खाऊंगी। धनिया नहीं है वो, पुदीना खा लो, पुदीना है वो। चटनी बना बना के पागल हो गई है तू। क्यों? सो मस्त खाना पीना हो चुका है। आखिरी में मैंने ना नूडल्स मंगाई थी तो अमृता ने बोला नहीं खवाएगी मुझे, फिल मतलब ऐसा लग रहा है पेट पूरा फुल हो चुका है।
लेकिन जब मैंने एक बाइट लिया मेरे को लगा अरे यार गलती कर दी पैक करने का बोलने का और खा लेते हैं, बट चलो नूडल्स पैक करा लिए। अब घर पे मौसी वगैरह आए हुए, मम्मा की थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो उनको देखने, तो आज उन सब का उपवास है तो उनके लिए मैंने यहाँ पर चिप्स ले लिए। लेकिन अब उनके लिए कुल्फी लेनी है तो कुल्फी के लिए वापस से सिटी में जाना पड़ेगा, तो सिटी में जाते हैं कुल्फी लेते हैं और फिर जाते हैं ऑल द वे टू। कुल्फी ले ली है, अब कुल्फी को अमरू एसी के सामने लगा के रखी हुई ताकि घर पहुंचने तक मेल्ट ना हो जाए, लेकिन बहुत टेस्टी कुल्फी होती है। मेरी मौसी जब भी आती है उनको एक कुल्फी चाहिए होती है, तब ये कुल्फी लेके निकल रहे हैं घर।